किए गए हैं। बेंगलुरु क्राइम ब्रांच ने क्रिकेटर सीएम गौतम और अबरार काजी को गिरफ्तार किया। दोनों पर कर्नाटक प्रीमियर लीग में 20 लाख रुपए लेकर धीमी गति से बल्लेबाजी करने का आरोप है। दिल्ली में साकेत कोर्ट में वकीलों ने लोगों को भी कोर्ट के अंदर जाने दिया है। खुद वकीलों ने लोगों को लाइन लगाकर अंदर जाने दिया। हालांकि वकीलों की हड़ताल आज भी जारी रहेगी। साकेत कोर्ट के बाहर वकील लोगों को मीठी दही बांट रहे हैं। वकील 2 नवंबर को दिल्ली पुलिस के साथ हिंसक झड़प के विरोध में हड़ताल पर हैं और आरोपी पुलिस वाले की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में एक दिन पहले लोगों को अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा था। यहाँ पर वकील जो थे वो खड़े थे, गेट में तालाबंदी लगाई थी, लेकिन आज वकीलों की तरफ से इस गेट को खुलवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं वकील जितने भी हैं ये अंदर हैं, लोगों की भीड़ बाहर है। वकीलों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग आए हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन हम पूरी तरह से हड़ताल में रहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूर आपको दिखाई देगी लोगों की जो भीड़ है वो यहाँ पर है। लोग दूर दराज से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आकर वो जो है अंदर जाने के लिए इंतजार में खड़े हैं और वकीलों ने ये खुद लाइन लगाई है। आप दिखा सकते हैं यहाँ पर कुछ वकील जो है वो बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्हें अरेस्ट किया जाए। सीआरपीसी का प्रोविजन है, हमारे एक वकील भाई पे इल्जाम लगाया है जो अभी आइडेंटिफाई भी नहीं हुआ है, उसके खिलाफ सिर्फ 323 का मुकदमा बनता है जो अवेलेबल है। उसका इन्होंने डकैती का केस बनाया है, इनकी गोली सीने पे मारने का मुकदमा है। तो इन्हें अपने मुलजिमों को अरेस्ट करने की कोई जल्दी नहीं है, उन्हें सो कॉल्ड एक लॉयर को अरेस्ट करने की और उसे गलत मुकदमे में फंसाने की जल्दी है। कल किस तरह से तालाबंदी की गई थी वकीलों के द्वारा, लोगों को प्रवेश नहीं किया गया था, आज का क्या माहौल रूप रहेगा? आज हम क्लाइंट्स को अलाउ कर रहे हैं। क्लाइंट्स अपने केसेस में अपियर होंगे, अपनी तारीख पता करेंगे, जो उसमें वो करना चाहें पर्सनली क्लाइंट्स वो करेंगे, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लॉयर्स विल नॉट अपियर, they will abstain from work. 100% strike is there for the lawyers. They will not appear in bail matters. They will not appear in anything. तो मतलब तारीख उनको फिर आगे की बढ़ाएं? जी, उनको तारीख आगे की मिलेगी। कोर्ट में जज साहब वगैरह जो प्रोसीडिंग कर सकेंगे हमारे एब्सेंस में वो करेंगे, वरना तारीख देंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में भी वकील हड़ताल पर है, लेकिन इस बीच वहां हालात सामान्य नजर आए। वकीलों का कोई गुट वहां गेट पर हंगामा करता नहीं दिखाई दिया। इस बीच कोर्ट पहुंचे लोग भी आराम से अंदर जाते दिखाई दिए। दिल्ली की निचली अदालतों के वकील लगातार हड़ताल पर हैं। इस वक्त मैं पटियाला कोर्ट के बाहर मौजूद हूं। यहां अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो आम दिनों की तरह यहां सब कुछ सामान्य नज़र आएगा। वकील यहां कोर्ट परिसर में पहुंच रहे हैं लेकिन हड़ताल पर हैं, कामकाज बंद है। आपको बता दें कि कल यहाँ पर वकीलों की गैदरिंग देखी गई थी, इस गेट पर हंगामा भी हुआ था, कुछ वकीलों ने अपनी बात कहने की कोशिश की थी। फिलहाल यहाँ पर वकील पहुँच रहे हैं, हालाँकि बात करने से यहाँ बच रहे हैं। यहाँ वकील है सर, कुछ बात देखिए, कोई बात नहीं करना चाह रहा है, लेकिन पटियाला कोर्ट पर सब कुछ सामान्य है। सवाल यही है कि वकीलों की हड़ताल कब ख़त्म होगी, जो लोग यहाँ अपने केसेस के लिए आते हैं कब उनका काम होगा, क्योंकि अदालतों में जो वकील हैं वो हड़ताल पर हैं। लगातार वकील इसी बात का विरोध कर रहे हैं, जिस पुलिसकर्मी ने गोली चलाई थी उसकी गिरफ्तारी हो। कल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, उस पर भी वकीलों ने अपनी बात कही थी। फिलहाल अगर पटियाला कोर्ट की बात करें तो यहाँ सब कुछ सामान्य है, किसी तरह का कोई समूह वकीलों का इकट्ठा नहीं है, लेकिन हड़ताल पर बने हुए हैं। कैमरा पर्सन चंदन के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। वकीलों की हड़ताल के बीच दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के बाहर भी लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस बीच कोर्ट के बाहर पुलिस वाले भी तैनात दिखाई दिए। कोर्ट पहुंचे लोग परेशान नजर आए। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के रोहिणी कोर्ट के गेट नंबर 5 के बाहर और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आपको लंबी लाइन दिखाई देगी जो पिछले 5 दिनों से जो दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से जिनकी ज़्यादा विधानसभा सीटें जिन्होंने जीती है राज्य में उन्हीं का मुख्यमंत्री होता है। मोहन भागवत जी का और संघ का इसके साथ कोई संबंध नहीं है, जोड़ना उचित भी नहीं है। जहाँ तक इसका निर्णय है भारतीय जनता पार्टी ने किया है और शिवसेना का सहयोग मिलेगा, उनसे बातचीत हो रही है और निश्चित रूप से मार्ग निकले। एक तबका आपका नाम भी ले रहा है मुख्यमंत्री के तौर पे, एक तबका ऐसा भी है। मैं अब दिल्ली में हूँ, मुझे महाराष्ट्र में आने का सवाल ही नहीं।